साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इस रेमेडी को कर्ज मुक्ति के लिए, और यदि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आपका व्यापार बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आपके पास में धन प्राप्ति के कोई मार्ग नहीं है, चारों तरफ से मनी ब्लॉक हो गया है, तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और यदि आपका दबा हुआ पैसा है, आपने किसी को उधार दिया हुआ है, वो पैसा आप वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रयोग को करने के बाद में जो भी आपका दबा हुआ पैसा है, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया हुआ है, और उसका विचार करके इस प्रयोग को आप जब करेंगे तो अगला व्यक्ति मजबूर हो जाएगा आपके पैसे वापस करने के लिए। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके पास में रोजगार नहीं है, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपका व्यापार वगैरह है, बिजनेस वगैरह है ना, तो उसके लिए भी उसको उसमें ग्रोथ लाने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि घर में मनी ब्लॉकेजेस है, मतलब कि पैसों का आगमन बहुत ज्यादा कम है, धन प्राप्ति के मतलब मार्ग आपके खुल नहीं रहे हैं, पैसों का आगमन नील हो गया है, बरकत नहीं है, तब भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं, देखिए कुछ नंबर्स के साथ में कुछ वस्तुओं को यदि आपस में अगर जोड़ दिया जाए और इनको अभिमंत्रित कर दिया जाए, ठीक है, तो होता क्या है, ये मनी की जो एनर्जी होती है उसका फ्लो बढ़ा देती है। तो यहां पर आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए एक आपको ले लेना है लाल कपड़ा, कोरा कपड़ा लें, कभी भी कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसके लिए कोरी चीजें यूज करें, लाल रेशमी कपड़ा ले लें, एक इलायची, एक लौंग और एक पीली कौड़ी। और जो नंबर मैं बता रहा हूं इस नंबर को आपको लिखना है, और इन सब चीज की जब एनर्जी मिक्स होगी और मंत्र द्वारा आप अभिमंत्रित करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में मनी का फ्लो एकदम से अचानक से बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए रेमेडीज का मतलब ये होता है कि हमारा भाग यदि साथ नहीं दे रहा है कि जो नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी रिमूव होकर के और पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी जब आती है तो मनी के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। तो ये ऐसी ही खास रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और इस प्रयोग को कभी भी किया जा सकता है। वैसे माता लक्ष्मी के दिन जो समर्पित होते हैं वो पूर्णिमा, त्रयोदशी, शुक्रवार, गुरुवार, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र और दीपावली, इन दिनों में यदि आप करते हैं या नवरात्रि में, तो ये कुछ खास दिन होते हैं, महानिशा कहलाती हैं। तो नॉर्मल यदि अर्जेंट नीड है तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो खास दिन मैंने बताए, शिवरात्रि, होली, दीपावली, पूर्णिमा, त्रयोदशी, नवरात्रि है ना, और इन दिनों, और रोहिणी नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, इन दिनों में यदि आपको मौका मिलता है तो इन दोनों इस प्रयोग को जरूर कर लें, क्योंकि इन दिनों में जो इनकी पावर होती है ये हजार गुना ज्यादा होती है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो वो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके घर का वास्तु अनबैलेंस हो, या घर में किसी प्रकार की आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, बंदिश है, किसी ने तंत्र मंत्र किया कराया, टोना टोटका, ऐसी कोई आपके घर में कंडीशन है, तो आप कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी रेमेडीज करेंगे वो रिजल्ट नहीं देती है ना। तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें, और यदि अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की मुझे कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है, आपकी हर एक समस्या का मुझसे 100% सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी मन मन है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, घर में आपको ऐसा लगता है किसी ने तंत्र मंत्र किया, घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, कुछ खास टेक्निक है, कुछ खास मंत्रास हैं जिसके द्वारा आपके घर को प्रोटेक्ट किया जाएगा है ना, तो किसी भी प्रकार की यदि मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, मतलब अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने अपॉइंटमेंट बुक करके और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि जिसका बर्थ चार्ट नहीं है
तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए करना क्या है इसमें, आपको एक लाल कपड़ा ले लें, अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम और हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर, इससे आपको बना लेना है थोड़ा सा पेस्ट। ठीक है, और थोड़ा सा चावल, हल्का सा चावल लें और चावल डाल करके इसका बना लें पेस्ट। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थान में आपको बैठ जाना है। पूजा स्थान में बैठ करके सामने एक पटरा लगाएं, सामने लाल कपड़ा बिछाएं और आपको दिया यहां पर घी का जलाना है। ठीक है, घी का शुद्ध जितना दोस्तों देखिए माता लक्ष्मी को शुद्ध स्वच्छता बहुत प्रिय है और कोई भी रेमेडीज करते हैं उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग नॉन वेज वगैरह ना लें, जिस दिन इस प्रयोग को करें ब्रह्मचारी से रहें, स्टोन वगैरह ना पहना हो, शराब वगैरह नहीं पीनी है। ठीक है, और गुलाब का धूप आपको जलाना है, अगर गुलाब का पुष्प मिल जाता है और भी बेस्ट है, गुलाब का इत्र और भी बेस्ट है। तो आपको अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उत्तर दिशा की तरफ माता लक्ष्मी की आपको तस्वीर स्थापित करनी है लाल कपड़े में, अगर घर में पहले से है तो और भी अच्छा है। कमल पर विराजमान हो, लाल साड़ी हो, हरा ब्लाउज हो, दो हाथी उनकी जल से कलश से अभिषेक कर रहे हो, ऐसी फोटो स्थापित करेंगे तो और भी बेस्ट है। उनके सामने आप ये पटरा लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली से आपको सबसे पहले लिख देना है 9, जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है। पेस्ट बनाने के बाद में 9 लिख करके इसको आप क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। अब बाजू में, इसके जस्ट बाजू में आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है आपको, स्वास्तिक बनाने के बाद में चार जो खंड बनते हैं बीच में आपको एक एक टिक्की रख देनी है, ये आपको बना देना है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, एक फूल वाली आपको लेनी है लौंग, सीधे हाथ में रखना है और माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, 108 बार इस मंत्र के द्वारा लौंग को अभिमंत्रित करना है। लौंग अखंडित होनी चाहिए, ठीक है, फूल वाली होनी चाहिए। अब इसको आप उस कपड़े में रख देंगे। अब आपको लेनी है एक इलायची, इलायची को सीधे हाथ में रखेंगे, 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम, 108 बार इस मंत्र से इलायची को अभिमंत्रित करना है। अब आपको क्या करना है, एक लेनी है आपको पीली कौड़ी, इस कौड़ी को लेकर के सीधे हाथ में रखेंगे और 108 बार मंत्र पढ़ना है, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इसको भी हम अभिमंत्रित करके उस कपड़े में आपको रख देना है। अब इसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा दें, थोड़ा सा गुलाब के अगरबत्ती घुमा दें, एक गुलाब का पुष्प चढ़ा दें। ठीक है, इससे पहले माता रानी की ध्यान करें, माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है उनको तिलक करें, हल्दी कुमकुम का तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, आरती वगैरह करें और कुछ मीठा भोग, मीठी खीर वगैरह या दूध से बनी कोई भी चीज माता रानी को भोग लगा दें। कुछ भी नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स में कुछ बादाम वगैरह या मिश्री वगैरह माता रानी को भोग लगा दें, उसके बाद में इस रेमेडी को करें। और जब ये आपकी रेमेडी कंप्लीट हो जाती है, इसकी आपको पोटली को बना करके इसको अपने पर्स में रख सकते हैं। पर्स में रखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि कभी भी पर्स आपका खाली नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से चारों तरफ से पैसा आपके सब पास में आना शुरू हो जाएगा। आप यदि इसे घर में धन स्थान में भी रख सकते हैं, अपना यदि कोई व्यापार वगैरह है, बिजनेस वगैरह है तो वहां भी आप इसको रख सकते हैं, है ना। मतलब आप चाहें तो किसी भी दिन 2-3 बार बना सकते हैं, 2-3 पोटली बना लें, एक अपने पर्स में रख लें, एक अपने पूजा स्थान में रख दें, एक अपने तिजोरी में रख दें, एक अपने व्यापार गल्ला जहां पर जो भी बिजनेस है वहां रख सकते हैं। और खास दिनों में दोस्तों यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छे इसका रिजल्ट आता है। अर्जेंट नीड है तो आप इसको तो वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन में कर लें या पूर्णिमा के दिन कर लें या त्रयोदशी के दिन कर लें, और दीपावली के दिन तो विशेष रूप से इस प्रयोग को करें, बहुत गजब का रिजल्ट आएगा इसका, बहुत ही रेयर विधि है दोस्तों। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे कि मनी चैलेंजेस तो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। जो भी आपके मतलब कि काम रुके हुए थे, पैसों से रिलेटेड कर्ज बहुत ज्यादा है या दबा हुआ पैसा है या पैसा आ नहीं रहा, बेरोजगार है, व्यापार नहीं चल रहा है, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। जहां पर ये पोटली रहेगी वहां पर हमेशा मनी का फ्लो बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों कोई भी चीज करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखें कि उसको रखकर छोड़े ना, उसकी नित्य प्रति धूप बत्ती पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि अगर आप रख के छोड़ देते हैं तो एनर्जी कम होने लगती है। और डेली जब पूजा करते हैं और मंत्र उनका जाप करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती रहती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी इसमें जनरेट होती है उतना ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ता है। तो रख करके छोड़े नहीं, ठीक है, हमेशा पूजा कुछ ना कुछ करते रहें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करिए, अच्छी जानकारी है, और आगे आप शेयर करेंगे तो और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। जितना हो सके शेयर जरूर करें, ठीक है, घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है।
है ना। और आप लोग जब इस जानकारी को आगे शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी इस रेमेडी को करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिना कुछ के इसका लाभ मिलेगा। ज्ञान है मेरे पास में, मैं आपको लोग आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग तक पहुंच रहा है, आप लोग आगे शेयर करें, है ना। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।